वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको नवधा भक्ति के बारे में बताने जा रही हूं, जो भगवान राम ने भिलनी को बताई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना ताकि इसी प्रकार की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जब भिलनी ने भगवान राम को कहा था कि मैं तो नीच जाति की हूँ, मूढ़ बुद्धि हूँ, मैं आपकी भक्ति नहीं जानती, तो भगवान राम ने कहा था कि देखो बहन, मैं नीच ऊंच, जाति पाति, कुल परंपरा, इनको कुछ महत्व नहीं देता, मैं तो केवल भक्ति का ही एक संबंध जानता हूँ। आज मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहा। तो वो बताते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग। व्यक्ति को हमेशा सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए ताकि उनमें कभी बुराइयां आए ही नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं भगवान के बहुत ही वो प्रिय होते हैं, सांसारिक मोह माया उन्हें नहीं सताती। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगों से प्रेम, कि जो भगवान की अनेक कहानियां हैं, उनके चरित्र का वर्णन है, लीलाएं हैं, हमेशा उन प्रसंगों का गान करते रहो, सुनते रहो, तो ये भगवान की दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, कि व्यक्ति को हमेशा अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। आज वर्तमान में तो गुरु शिष्य की परंपरा ही कुंठित हो गई है। आप देखते हो विद्यार्थी कोई गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनको तो केवल अपनी पढ़ाई से मतलब होता है कि लेसन पढ़ा और चलो, उनको गुरुओं से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि सामने आते हुए गुरु को देख भी ले तो कुछ बच्चे तो उन्हें नमस्कार तक नहीं करते। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति गुरु का सम्मान करता है, सेवा करता है, पूजा करता है अभिमान रहित होकर, तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूं, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। भगवान के गुण अनंत हैं, अथाह हैं, अपरंपार हैं। जो व्यक्ति दिन रात उन्हीं के गुणों में लीन रहता है, गान करता रहता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान की चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति भगवान कह रहे हैं मेरे नाम का जाप करना, मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, क्योंकि जिस जिसने भगवान के नाम का जाप किया वो कम आयु में ही इतना महान बन गया जितना करोड़ों वर्ष तपस्या करने पर भी वही व्यक्ति नहीं बनता। आप देखो ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं, इन्होंने भगवान के नाम का जाप किया और आज तक हम उन्हें स्मरण करते रहते हैं। और कलयुग में तो नाम का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर व्यक्ति एक दो घड़ी भी भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है तो फिर संसारिक माया के जाल में नहीं पड़ता है। लेकिन देखो मनुष्य कितना मूर्ख है, वो इतना आसान नाम भी नहीं ले सकता। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पांचवी भक्ति है मेरे नाम का जाप करते रहना और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना।
छठी भक्ति भगवान ने बताई है इंद्रियों का निग्रह, कि अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अच्छा स्वभाव रखना और आचरण कैसा हो कि सांसारिक कार्य करते हुए भी वैराग्य की भावना होनी चाहिए। कि तुम्हारी जो ये इंद्रियां हैं, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, तो ये संसार की तरफ आकर्षित नहीं होनी चाहिए। आप संसार में रहो, जैसे राजा जनक देखो, महान त्यागी राजा भी हुए और सन्यासी भी हुए, प्रजा से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना वो अपनी भक्ति से प्रेम करते थे, वैराग्य से प्रेम करते थे। वो प्रजा का पालन भी करते रहते थे और भगवान को भूलते भी नहीं थे। वो घर में रहकर ही वैरागी बने, इसीलिए उन्हें विदेह कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर से भी कोई मोह नहीं था। सातवीं भक्ति जो है, संसार को समभाव से देखना, कि संसार में चाहे वो सज्जन लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, किसी भी वर्ण के हैं, सबको समान दृष्टि से देखना, कोई भेदभाव नहीं रखना, चाहे वो जड़ है, चेतन है। और संतों को भगवान कह रहे हैं मुझसे ज्यादा सम्मान देना, कि संत जो लोग हैं वो मेरा ही रूप हैं, मेरा भजन करने से अधिक जो संतों का सम्मान करता है तो वो मेरे भजन के ही बराबर है। आठवीं भक्ति भगवान कह रहे हैं कि जो मिल जाए उसमें संतोष रखना। संतोषी वृत्ति जिस व्यक्ति की होती है वह जो है कभी कष्ट नहीं पाता। कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। फिर धन कमाने की लालसाएं खत्म हो जाती हैं, कि जो भी मिल जाए आपको, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हर परिस्थिति के अंदर जो है संतोष रखना है। और स्वप्न में भी दूसरे लोगों के दोषों को नहीं देखना। हमेशा दोष देखो अपने में कि हम में कितनी बुराई है, और दूसरों में गुण देखो। बुराइयां नहीं देखनी है, जबकि आजकल व्यक्ति का ये स्वभाव बन गया है, वो अपने गुणों को देखता है और दूसरों की बुराइयों को, तो ऐसा नहीं करना है। नवी भक्ति बता रहे हैं भगवान कि सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, कि आपका आचरण और व्यवहार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिसमें छल कपट की भावना आ जाती है वो कुछ समय के लिए तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं उसी को खत्म करती हैं, किसी दूसरे को नहीं। तो भगवान ने कहा कि कैसी भी अवस्था हो आपको छल कपट नहीं करना। मान लो अगर विपत्ति का समय भी आ जाए, आप सोचो कि बुरे कार्य करके मैं धन कमा लूं या समस्या का समाधान कर लूं, तो ऐसा नहीं करना है। धैर्य से काम लेना है और हमेशा प्रसन्न रहना है। इस प्रकार भगवान राम ने कहा कि हे भिलनी, इन नौ भक्तियों में जिस व्यक्ति में एक भी भक्ति पाई जाती है, वह चाहे स्त्री है, पुरुष है, जड़ चेतन कोई भी है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, आप सबको भी इन भक्तियों में जो भी अच्छी लगे आप उसका अनुकरण करें और भगवान का नाम हमेशा स्मरण करते रहे। जय श्री राम।